पहिए वाली गाड़ी बनाने के लिए धन्यवाद ताऊ जी, उसकी वजह से हम खूब सारी गुड़ की भेलियाँ बेच पाए। बड़े भैया सही कह रहे हैं, बहुत सारी गुड़ की भेलियाँ बेची हमने। तो बच्चों ये तो बताओ कि कितना मुनाफा कमाया तुम लोगों ने। व्यापार, नफा, नुकसान, ये सब लड़कों के करने और समझने वाली बातें होती है जी। अब नहीं समझेगी। अच्छा बच्चों, आज तुम सब ने व्यापारी मेले में प्रतियोगिता में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा। लेकिन तुमको पता है संसार की सर्वश्रेष्ठ व्यापारी एक माँ होती है। माँ? माँ और व्यापार? बड़े भैया सही कह रहे हैं, माँ को व्यापार की समझ कैसे हो सकती है। अब इसका उदाहरण तुम लोगों के सामने ही है। ये खाना जो आप लोग खा रहे हो ये एक माँ ने बनाया है, और इसमें भी गणित है, व्यापार है। खाने में व्यापार? हाँ बेटा। अब देखो घर में कितने लोग हैं, उनके लिए कितना खाना बनना चाहिए ताकि सबका पेट भी भर जाए और कुछ बर्बाद भी ना हो, इन सब चीजों का हिसाब एक माँ करती है। कोई त्योहार हो, घर का खर्च हो, या किसी का जन्मदिन या कोई उत्सव मनाना हो, इन सब का हिसाब रहता है ना एक माँ के पास। तो हुई ना माँ इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यापारी। और आशय बेटा, तुम्हारे बड़े भैया जेम्स अब सचमुच में बड़े हो गए। अब उन्हें इस बात का भी पता चल गया है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो केवल लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं। क्यों जेम्स? जी ताऊ जी, अब सही कह रहे हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आपकी बात अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। पहिए वाली गाड़ी बनाने के लिए धन्यवाद ताऊ जी, उसकी वजह से हम खूब सारी गुड़ की भेलियां बेच पाए। बड़े भैया सही कह रहे हैं, बहुत सारी गुड़ की भेलियां बेची हमने। तो बच्चों ये तो बताओ कि कितना मुनाफा कमाया तुम लोगों ने। व्यापार, नफा, नुकसान, ये सब लड़कों के करने और समझने वाली बातें होती है ताई जी। अब नहीं समझेगी। अच्छा बच्चों, आज तुम सब ने व्यापारी मेले में प्रतियोगिता में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा। लेकिन तुमको पता है संसार की सर्वश्रेष्ठ व्यापारी एक माँ होती है। माँ? माँ और व्यापार? बड़े भैया सही कह रहे हैं, माँ को व्यापार की समझ कैसे हो सकती है। अब इसका उदाहरण तुम लोगों के सामने ही है। ये खाना जो आप लोग खा रहे हो ये एक माँ ने बनाया है, और इसमें भी गणित है, व्यापार है। खाने में व्यापार? हाँ बेटा। अब देखो घर में कितने लोग हैं, उनके लिए कितना खाना बनना चाहिए ताकि सबका पेट भी भर जाए और कुछ बर्बाद भी ना हो, इन सब चीजों का हिसाब एक माँ करती है। कोई त्योहार हो, घर का खर्च हो, या किसी का जन्मदिन या कोई उत्सव मनाना हो, इन सब का हिसाब रहता है ना एक माँ के पास। तो हुई ना माँ इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यापारी। और आशय बेटा, तुम्हारे बड़े भैया जेम्स अब सचमुच में बड़े हो गए। अब उन्हें इस बात का भी पता चल गया है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो केवल लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं। क्यों जेम्स? जी ताऊ जी, अब सही कह रहे हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आपकी बात अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। बेटा मैं तो कितना चिंतित था कि तुम कहां रह गए और तुम यहां अकेले बैठे हो। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? पिताजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसा लग रहा है। मेरे पेट में जैसे कुछ गोल कोलता घूम रहा, जैसे ही मैं कल की प्रतियोगिता के बारे में सोचता हूँ उतना ज्यादा मेरे पेट में कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है। बेचैनी? कल की प्रतियोगिता के परिणाम की
बेचैनी। देखो कभी कभी लगता है कि कुछ चीजें हमारी इच्छा अनुसार होनी चाहिए, मगर साथ में ये डर भी बना रहता है कि पता नहीं चीजें हमारी इच्छा अनुसार होंगी भी या नहीं। तो ऐसे में इस तरह की बेचैनी होना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। पिताजी मैं पहले सोचा था कि कुछ होना या ना होना परमपिता परमेश्वर की मर्जी है, मगर इस बार बात मेरी नहीं मक्खन चाचा की है। मैं चाहता हूँ कि कल की प्रतियोगिता मक्खन चाचा जीते, लेकिन अगर कल की प्रतियोगिता मक्खन चाचा नहीं जीत पाए तो क्या होगा? यीशु, ये समय ईश्वर पर सबसे ज्यादा विश्वास करने का है ना? फिर आप बिल्कुल सही कह रहे पिताजी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। परमपिता परमेश्वर वही करेंगे जो सबके लिए अच्छा होगा। हाँ बेटा चले, तुम्हारी माँ खाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है, आ जाओ। अरे मैं आपसे कितने सारे सवाल पूछता हूँ पिताजी, और आपके पास मेरे सारे सवालों के एकदम सही जवाब रहते हैं। मेरे पिताजी इस पूरे संसार में सबसे अच्छे पिता हैं। आप यीशु की ताकत है, हिम्मत है, उसका वो आधार है जिसकी जरूरत यीशु को कदम कदम पर होगी। अगर वो गिरता है तो उसे उठाना है, अगर वो कमजोर पड़ता है तो उसकी हिम्मत बढ़ानी है। यीशु हमसे सीखेगा और बहुत कुछ हम उससे सीखेंगे। बेटा कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, अभी चलकर जल्दी से खाना खाकर जल्दी से सो जाओ। कल शाम को मैं और तुम्हारी माँ मेले में आएंगे, हमारे यीशु को जीतते हुए देखना है। सचमुच कल का दिन बहुत बड़ा होगा पिताजी।